नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबर पर। कोटा गुड़ियारी मार्ग रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ वितरण विद्युत कंपनी के मुख्य गोदाम में अचानक भयंकर आग लग गई। आपको बता दें कि करीबन 35 एकड़ क्षेत्र में फैले गोदाम में रखे हजारों ट्रांसफार्मर, विद्युत उपकरण, वायर मीटर एवं अन्य करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग इतनी भयंकर लगी कि जिसके लपेटे में 3 किलोमीटर दूर तक आग दिखाई दे रही थी। गोदाम के आसपास रहने वाले आमजन में अफरा तफरी मच गई और जान बचाते हुए लोग घरों से दूर भागते हुए नजर आए। आगजनी की घटना से जान माल की क्षति से बचने के लिए आसपास के क्षेत्र में 12 घंटे तक विद्युत आपूर्ति को बंद रखा गया। घटनास्थल के आसपास के व्यस्त एवं भीड़ आवाजाही के रास्ते को घंटे के लिए बंद किया गया। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़े आगजनी की घटना में करीबन 400 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। करीबन 40 दमकलों ने आग पर काबू पाने में घंटे की मशक्कत की और रात 11 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आपको बता दें कि पूरा जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी नगर, निगम आयुक्त, दमकल अधिकारी एवं उनकी पूरी टीम मौके पर मौजूद रही और आसपास के क्षेत्र में पूरी टीम आमजन को हर संभव राहत प्रदान करने में लगी रही। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव चाय ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सबसे बड़े अग्नि दुर्घटना की जाँच के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीबीएन 24 पर।